गुड मॉर्निंग जनरल, आज मैं आपको कल की एमसीएम का पैसेज आपके सामने हल करके दिखा रहा हूं। कल मैंने समझाया था, आपने उसी पैसेज को हल करा हो, ध्यान से समझे। व्हाई डू द पीपल इन ट्रबल रिंग द बेल, मुसीबत में लोग घंटी क्यों बजा दिया करते हैं। देखें उत्तर आपके पैसेज में मिलेगा। द पीपल ध्यान से देखते जाना, पैसे से मिलाते जाना। इन ट्रबल रिंग द बेल बिकॉज दे बिलीव that the king could hear his complaint। देखिए हमने आंसर लिखा कि मुसीबत में लोग घंटी बजा दिया करते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि राजा हमारी शिकायत सुनेंगे, राजा हमारी शिकायत सुनेंगे और हमारी शिकायत का निदान भी करेंगे। यही तो लोगों का विश्वास था। पैसे की गाड़ी देखिए, दूसरा देखिए, हु कंपेल्ड द मिनिस्टर टू लुक आफ्टर द हॉर्स, मंत्री को घोड़े की देखभाल करने के लिए किसने बाध्य कर दिया। देखिए बहुत छोटा सा उत्तर लिखेंगे हम, देखिए क्या लिखा है। द टीचिंग ऑफ द किंग कंपेल्ड द मिनिस्टर, कंपेल्ड द मिनिस्टर तो लुक आफ्टर द हाउस, तो लुक आफ्टर द हाउस। बहुत छोटा सा देखिए, द टीचिंग ऑफ द किंग, राजा का उद्देश्य या राजा की शिक्षा ने मंत्री को घोड़े की देखभाल करने के लिए बाध्य कर दिया। राजा ने जो उसको सबक दी कि तुमने घोड़े को क्यों क्रैश छोड़ दिया, क्या यही करना चाहिए, तो उनकी शिक्षा ही उसको देखभाल करने के लिए बाध्य कर दिया। किसको? मंत्री। आप देखिए क्या है, एक्सप्लेन द डेली पोर्शन, टेढ़े शब्दों की व्याख्या करिए। टेढ़े शब्द कौन से हैं, आप फिर बुक में देख सकते हैं कि जो टेढ़े शब्द हैं उनकी व्याख्या आपको करनी है। टेढ़े शब्द दिए हैं आपके, हैड फ्री एक्सेस टू हिम, इसकी व्याख्या करना है। हिंदी होती है प्रजा के लोग राजा के पास पहुंचने के लिए स्वतंत्र थे, द पीपल वर फ्री टू से दियर ट्रबल टू द किंग। बहुत छोटा सा देखिए एक्सप्लेन है, इसका व्याख्या है, द पीपल वर फ्री टू सी दियर ट्रबल टू द किंग, प्रजा के लोग अपनी समस्या कहने के लिए, प्रजा से के लोग राजा से अपनी समस्या कहने के लिए स्वतंत्र थे। फिर देखिए गिव ए समरी ऑफ द पैसेज, पूरे परिच्छेद की समरी लिखना है। समरी माने सारांश होता है। मैंने आपसे बताया लिखा कि एक दो लाइन तीन लाइन में लिखा जाता है, इससे ज्यादा नहीं आप इसमें लिख सकते हैं। देखिए आंसर मैं दे रहा हूं, समझते जाइए।
भावना से प्रेरित नहीं है बल्कि स्टोरी से संबंधित है। ए किंग वाज रियली काइंड, ही वुड हियर द ट्रबल्स ऑफ हिज सब्जेक्ट्स एंड रिमूव करिए उर्दू में करेक्ट हो जाएगा। एंड रिमूव दियर प्रॉब्लम्स ही आल्सो टॉट मिनिस्टर अबाउट लुकिंग आफ्टर द हास। देखिए समझिए ध्यान से मैंने क्या लिखा है। एक्टिंग वाज वेरी काइंड, एक राजा बड़ा दयालु था। ही वुड हियर द ट्रबल्स ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, वो अपने प्रजा की समस्याएं सुना करता था। एंड रिमूव द प्रॉब्लम्स, और उनकी समस्याएं दूर किया करता था। ही आल्सो टॉट हिज मिनिस्टर अबाउट लुकिंग आफ्टर हिज आफ्टर द हास। घोड़े के पालन पोषण के लिए उसने अपने मंत्री को भी सबक सिखाई थी। यही इस कहानी का संक्षिप्त वर्णन है। छोटा सा भाव निकाल सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। देखिए क्या आंसर होगा। जस्ट एंड काइंड, इज द सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। देखिए क्या लिखा है। जस्ट एंड काइंड, न्याय और दया इज द सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, यही परिच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक है। तो ये आपका देखिए साल हो गई पूरी एक्सरसाइज। इस प्रकार से यदि एक्सरसाइज का भाव हमें समझ में आ जाता है, उसका अर्थ समझ में आ जाता है, तो नीचे दिए गए प्रश्नों के सारे उत्तर हम स्वयं से कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक एक्सरसाइज को करने से पहले उसका भाव ठीक से समझ लेना चाहिए। दैट्स इट।